नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। जिस जन्नत पर पूरे हिंदुस्तान को नाज है, आज वो जन्नत कराह रही है। धरती के स्वर्ग कश्मीर में आई है सबसे बड़ी तबाही। पिछले 3 दिनों में पहाड़ों पर इतनी बारिश हुई है कि नदियां उफनने लगी हैं। कश्मीर से लेकर पुंछ तक बाढ़ का कहर है। श्रीनगर में तो बाढ़ की वजह से स्कूल कॉलेज सब बंद हो गए हैं। हिंदुस्तान के जन्नत में बदहाल हो गई है जिंदगी। धरती के स्वर्ग में हो गई है आफत की बारिश। पहाड़ों और घाटियों में लगातार हो रही बारिश ऐसी तबाही लेकर आई है कि कश्मीर के लोग त्राहिमाम करने लगे हैं। श्रीनगर से लेकर गांदरबल, कुलगाम तक घाटी का कोना कोना उफनाई नदियों के कोहराम से जार जार हो रहा है। सबसे पहले देखिए श्रीनगर की तस्वीर, कैसे शहर में दाखिल हो गया है सैलाब। सड़कों पर, घरों के अहाते में, गलियों में, चौक चौराहों पर हर तरफ पानी ही पानी है। पानी भी इतना कि श्रीनगर के लोगों की जिंदगी अचानक ठहर गई है। जिंदगी पहाड़ सी लगने लगी है। 72 घंटे से कश्मीर में हो रही लगातार बारिश के असर अब साफ श्रीनगर शहर में भी दिखने लगे हैं। जहलम के किनारे पर हम खड़े हैं और कहीं ना कहीं जहलम दरिया में जो हाउस बोट तैरा करते थे वो अब कहीं ना कहीं सड़कों पर आने लगे हैं। आप ये देख सकते हैं, ये हाउस बोट जो है जहलम दरिया में है, लेकिन अब पानी का स्तर पूरी तरह से सड़क के बराबर आ चुका है और मात्र आधा फुट कुछ इंच जो बचे हैं। श्रीनगर के लोगों ने कभी ऐसी जिंदगी की कल्पना नहीं की थी, लेकिन पिछले 3 दिनों से पहाड़ों पर हुई बारिश से कश्मीर घाटी की नदियां उफनने लगी हैं। श्रीनगर से होकर बहने वाली दूध गंगा नदी के बांध का हिस्सा लहरों में उफान की वजह से टूटा तो शहर में तबाही आ गई। लोग अपने घरों में भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। छतों पर तो जान महफूज है, लेकिन रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए सड़क पर उतरे हैं तो कैसे। श्रीनगर की सड़कों पर इतना पानी है कि मंजर खौफनाक हो गया है। नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं देखा। आई थिंक फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स मैंने ऐसा कंटिन्यूस जो रेन हो रही है 3 दिन से, तो ऐसा मैंने आई थिंक आई एम सीइंग इट फर्स्ट टाइम। बहुत मुश्किल है इस वक्त। कुछ सब्जी है, किसी किसी जगह पर धान है, किसी किसी जगह पर बहुत कुछ फल फ्रूट है, वो सब तबाह हो गया इस पानी से। अभी तक मैंने देखा नहीं है कोई कुछ क्या करता है। कहने वाले कह रहे हैं कि घाटी की ऐसी तस्वीर पहले कभी नहीं देखी। जानकारों की माने तो 35 साल बाद कश्मीर घाटी में ऐसी बाढ़ आई है। देखिए कैसे घाटी के लोगों को डरा रहा है उफनाती झेलम का सैलाब। कश्मीर और श्रीनगर के बीचों बीच बहने वाली झेलम का जलस्तर खतरे के निशान से काफी ऊपर है। नतीजा ये कि श्रीनगर के ज्यादातर हिस्से में बाढ़ का पानी घुस गया है। श्रीनगर के अस्पताल, स्कूल, सरकारी और गैर सरकारी इमारतें बाढ़ के पानी में डूबी हैं। बारिश से बाढ़ के हालात पहले ही पैदा हो चुके हैं और सभी नदियां दरिया उफान पर हैं। जहलम जी जो है वो भी खतरे के निशान से 4 फुट ऊपर बह रहा है। जहलम दरिया श्रीनगर के बीचों बीच बहता है, इसलिए अधिकतर जो बाढ़ का पानी है श्रीनगर शहर के कई इलाकों में पहले ही घुस चुका है। न सिर्फ श्रीनगर शहर बल्कि घाटी के दूसरे इलाकों में भी इसी तरह के हालात हैं। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पहले ही बंद कर दिया गया है। कश्मीर घाटी में अचानक आए इस सैलाब में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। कुछ लोगों की जिंदगी बाढ़ ने छीनी तो कईयों की मौत भारी बारिश के बाद चट्टान खिसकने से हो गई। बाढ़ से प्रभावित इलाकों में सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात की है कि राज्य को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। मौसम विभाग की माने तो कश्मीर घाटी में आफत की बारिश अभी और होगी। अनुमान है कि पहाड़ पर और घाटियों में अगले 48 घंटे और बारिश हो सकती है। पिछले 3 दिनों की बारिश में ही कश्मीर की तमाम नदियां और नाले खतरे के निशान से ऊपर हैं। भारी बारिश का सिलसिला आगे भी जारी रहा तो धरती के जन्नत का क्या होगा, आप समझ सकते हैं।
मौसम जानकारों के अनुसार जो अगर उनका अनुमान सही साबित हुआ तो कल सुबह श्रीनगर शहर का अधिकतर हिस्सा पानी में डूबा होगा। जिस अंदाज से बारिश हो रही है अब लोग सिर्फ दुआओं का ही सहारा ले रहे हैं कि ये बारिश रुके और कहीं न कहीं आम जनजीवन दोबारा पटरी पे आए। कैमरा मैन रूफ अहमद के साथ अशरफानी, श्रीनगर आज तक। बाढ़ का पानी हाईवे पर आ गया है और कश्मीर घाटी का संपर्क देश के दूसरे हिस्सों से पूरी तरह से कट गया है। जानकार कह रहे हैं कि कश्मीर घाटी में 35 साल में नहीं देखी है ऐसी बाढ़। पुंछ में फ्लैश फ्लड में कई घर और मवेशी बह गए। श्रीनगर के अस्पताल में घुसा सैलाब। श्रीनगर के सभी स्कूल कॉलेज बंद। स्वर्ग में 35 साल बाद ऐसी बाढ़। क्यों जल प्रलय से तबाह हुई जन्नत? कुदरत का कहर कब और किधर टूटे कोई नहीं जान सकता। इस बार बारी धरती के स्वर्ग कश्मीर घाटी की है। जब हिंदुस्तान के ज्यादातर हिस्सों में मूसलाधार बारिश थम चुकी है, गाहे बगाहे इलाकों में ही छिटपुट बारिश हो रही है, कश्मीर घाटी पर कहर टूट पड़ा है। आसमान से होने लगी है आफत की बारिश। नतीजा ये कि राहत के काम में आपदा प्रबंधन से लेकर पुलिस प्रशासन तक को झोंक दिया गया है। कई इलाकों में बचाव में सेना भी जुटी हुई है। पूरे 35 साल बाद आई इतनी भयानक बाढ़ से घाटी का हाल बेहाल है। बाढ़ की वजह से देश के दूसरे हिस्सों से कश्मीर घाटी का संपर्क पूरी तरह टूट गया है। बाढ़ का पानी हाईवे पर आने की वजह से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिया गया है। श्रीनगर करगिल हाईवे भी चट्टान खिसकने की वजह से बंद है। सैलाब और चट्टान खिसकने की वजह से कश्मीर घाटी में जिन 15 लोगों की मौत हुई है उनमें 4 बच्चे भी हैं। बाढ़ के कहर से जम्मू के कई इलाकों में भी जनजीवन बेहाल है। ये तस्वीरें जम्मू के पुंछ इलाके की हैं। भारी बारिश के बाद पुंछ नदी उफनने लगी। लोग इससे पहले कि संभल पाते पुंछ नदी में आया फ्लैश फ्लड कहर बनकर टूटा। अचानक आए तेज रफ्तार सैलाब से कई घर बह गए तो सुरनकोट पुंछ में कई मवेशियों के भी बाढ़ में बहने की खबर है। कश्मीर से लेकर जम्मू तक बाढ़ के कहर से राज्य सरकार अलर्ट है। पूरे राज्य में तमाम बाढ़ प्रभावित और बाढ़ के खतरे वाले इलाकों में प्रशासन पुलिस को सतर्क कर दिया गया है। आपदा प्रबंधन की टीम, सेना और स्थानीय पुलिस ने बाढ़ग्रस्त इलाकों से अब तक 300 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। 72 घंटे से कश्मीर में हो रही लगातार बारिश के असर अब साफ श्रीनगर शहर में भी दिखने लगे हैं। जहलम के किनारे पर हम खड़े हैं और कहीं न कहीं जहलम दरिया में जो हाउस बोट तैरा करते थे वो अब कहीं न कहीं सड़कों पर आने लगे हैं। आप ये देख सकते हैं ये हाउस बोट जो है जहलम दरिया में है लेकिन अब पानी का स्तर पूरी तरह से सड़क के बराबर आ चुका है और मात्र आधा फुट कुछ इंच जो बचे हैं। और अगर इसी तरह लगातार बारिश होती रही है तो जाहिर है कि ये दरिया का पानी अब धीरे धीरे शहर के इलाकों में घुसना शुरू हो जाएगा और उससे कहीं ना कहीं हालात जो है और भी गंभीर कश्मीर में हो जाएंगे। जम्मू के रियासी इलाके में चेनाब नदी भी जिंदगियों को लीलने लगी है। रियासी के कलाबान और कांठी इलाके में चेनाब के सैलाब में फंसकर 30 साल की एक महिला और 9 साल की एक बच्ची की मौत हो गई है। जम्मू से अश्विनी कुमार के साथ अशरफ वाणी, श्रीनगर आज तक। श्रीनगर ही नहीं कुलगाम में भी बाढ़ से लोग परेशान हैं। आफत की बारिश कई परिवारों के लिए मुश्किल बन गई है। शुक्र है फौज और स्थानीय पुलिस के जवानों ने उनकी जान बचा ली। ये मंजर है कुलगाम का। बेदू नदी पूरे उफान पर है। कुछ दिन पहले ये बेहद शांत थी, काफी कम पानी था, लेकिन अब बरसात के बाद पानी इतना बढ़ा कि लोगों की जिंदगी पर बनाई। कुलगाम के बंजरपुरा इलाके की इन तस्वीरों को देखिए। पानी का यहां ऐसा उफान आया कि बाढ़ में फंस गए
तीन परिवार। खबर सेना और स्थानीय पुलिस को लगी और शुरू हो गई लोगों को बचाने की कवायद। ये लोग ऊंची जमीन पर बकरियां चराने का काम करते थे, लेकिन बरसात ने इन्हें घेर लिया। पानी का वेग प्रचंड था, लिहाजा बगैर बोट के लोगों को बचाना मुश्किल था। जल्द ही बड़ी सी बोट लाई गई। बारिश के बीच नदी किनारे लोग दम साधे रेस्क्यू ऑपरेशन देख रहे थे। दांव पर कई जिंदगियां लगी थी, लिहाजा आशंकाओं से घिरे हुए थे। बहरहाल सेना और स्थानीय पुलिस के जवानों ने मुस्तैदी दिखाते हुए लोगों की जान बचा ली। जगह जो है नोपुरा में गांव है, बंजरपुरा का नाम है। तो हमने तीन ये रबर बोट्स मंगवाई थी, जिनमें से छः लोगों को हमने वहां से रेस्क्यू कर लिया। नौ लोग फंसे हैं। इन द मेन टाइम हमने डीजी साहब को रिक्वेस्ट करके चॉपर की रिक्वेस्ट भी दे दी है। लगता है कि और आधे पौने घंटे में हम बाकी लोगों को रेस्क्यू करने में कामयाब हो जाएंगे। घर बह रहे हैं, मवेशी पानी में डूब रहे हैं, ये तस्वीरें जम्मू के पुंछ की हैं। खबर है कि रियासी इलाके में पांच लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें तीन महिलाएं शामिल थीं। कई घर बर्बाद हो चुके हैं। सूरनकोट इलाके में भी फ्लैश फ्लड ने बर्बादी मचाई है। पोथा इलाके में एक पुलिस पोस्ट ही फ्लैश फ्लड में बह गया। पुंछ शहर में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। जो महला था आधा महला बह चुका है नदी में सर, बाकी के जो करें वो बहने वाले हैं। आप जो जैसा कर सकते हैं इंतजाम करो इन पब्लिक का। कुछ खाड़े मंदिर में रुके हैं, कुछ उधर गीता भवन चले गए, बाकी जानवर कुछ फंसे हुए हैं, कुछ दो चार आदमी पास शमशान में फंसे हुए हैं। ये अजब खौफनाक इत्तेफाक है। इस बार देश के कई हिस्सों में औसत से कम पानी बरसा, कई जगह तो सूखे की नौबत आ गई, लेकिन जहां बारिश हुई वहां इतनी कि नदियों में बाढ़ आ गई। फ्लैश फ्लड से जान माल का नुकसान होने लगा, कुछ जगहों पर मडस्लाइड की भी खबरें हैं। इस बुरे वक्त में सेना, बीएसएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें जगह जगह तैनात कर दी गई हैं। ये लोग दूर दराज के इलाकों में फंसे लोगों को बचाने के काम में लगे हैं। जान जोखिम में डालकर ये लोगों को दवा और खाना पहुंचा रहे हैं। खबर है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बीएसएफ के एक इंस्पेक्टर और आर्मी के एक जवान की मौत हो गई। बेतहाशा बरसात ने कश्मीर घाटी की तस्वीर ही बदल दी है। राज्य की ज्यादातर नदियां उफान पर हैं। वहीं मौसम विभाग ने सामान्य से तेज बारिश की भविष्यवाणी की है, यानी स्वर्ग में प्रलय का दौर अभी जारी रहेगा। जम्मू से अश्विनी कुमार और श्रीनगर से अशरफ वाणी के साथ आज तक ब्यूरो। कश्मीर के गांदरबल में सिंधु नदी भी तबाही मचा रही है। सिंधु नदी में अचानक आए उफान से नदी के बीचों बीच एक टीले पर एक शख्स फंस गया है। इसके बाद क्या हुआ, देखिए ये रिपोर्ट। चारों तरफ पानी का प्रचंड वेग, पानी की लहरों के बीच फंसा एक इंसान। ये खौफनाक तस्वीर कश्मीर के गांदरबल इलाके की है। घाटी के लोगों ने आफत के सैलाब का ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा था। ये सिंधु नदी है। पिछले कई दिनों से शांत बह रही सिंधु नदी में मूसलाधार बारिश से ऐसा उफान आया कि लहरें कातिल बन गई। ये शख्स जब नदी के बीच गया था तो सिंधु नदी शांत पड़ी थी, लेकिन बारिश इतनी हुई कि चंद घंटों में नदी विकराल होती गई। सिंधु नदी में अचानक पानी का स्तर बढ़ा तो नदी के बीच टापू पर गया शख्स सैलाब में घिर गया। चारों तरफ पानी की तेज लहर और बीच मझधार में छोटे से टीले पर फंसा एक इंसान। पल पल भारी लग रहा था, जिंदगी और मौत के बीच जंग चल रही थी। देखिए शख्स को, मदद की आस में एक नजर वो चारों तरफ डालता है और फिर नाउम्मीदी में बैठ जाता है। लेकिन इसकी किस्मत अच्छी थी कि लोगों तक उसकी पुकार पहुंच गई। नदी किनारे इन लोगों को देखिए, सबकी नजर इसी शख्स पर है। लोग आशंका में देख रहे हैं कि कैसे बचेगी इसकी जान। पानी का बहाव तेज था और डर इस बात का था कि कहीं बहाव में कटकर टीला नदी में ना गिर जाए और ये शख्स पानी में ना समा जाए। भारी कश्मकश के बीच बचाव के लिए रस्सी फेंकी गई और फिर रस्सी पकड़कर ये शख्स नदी किनारे पहुंचने में कामयाब रहा।
लड़का एक फंसा हुआ था, उसकी लाइफ वॉज अंडर थ्रेट। यहाँ सारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ मौजूद थी और लोगों के साथ से हमारी यहाँ फायर ब्रिगेड, J&K पुलिस, आर्मी और उसके अलावा जो हमारी SDRF की टीम है, इन सब ने बहुत मेहनत की और इस लड़के को सक्सेसफुली हम रेस्क्यू कर पाए हैं। इससे पहले हमने आर्मी के और एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स भी रिक्विजिशन किए थे, लेकिन ड्यू टू बैड वेदर वो यहाँ टेक ऑफ नहीं कर सके और लैंड नहीं कर सके। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि हम सक्सेसफुली इसको रेस्क्यू कर सके हैं एंड वी हैव बीन एबल टू सेव अ लाइफ। मौत को चकमा देने में कामयाब रहा यह शख्स, लेकिन कश्मीर में जिस तरह से बारिश ने कोहराम मचाया है वो कईयों की जिंदगी पर भारी लग रही है। अशरफ वाणी, श्रीनगर, आज तक।